जय श्री माता जी। श्री माता जी ने अपनी दोनों बेटियों के सुखी वैवाहिक आयुष्य का प्रारंभ होते ही अपने आध्यात्मिक जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। श्री माता जी जानते थे कि मानव की अंतरात्मा तो सत्य की खोज कर रही है और वास्तविक रूप में शाश्वत सत्य ना ही यह शरीर है, ना ही यह भावनाएं, ना ही अहंकार, ना ही हमारे संस्कार, वह शाश्वत सत्य सिर्फ हमारी आत्मा है। उन्होंने बहुत से सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन सुने। उनके सभी प्रवचन बहुत ही मानसिक स्तर पर थे। श्री माता जी हमेशा चिंतन करते थे कि यह सारे आध्यात्मिक गुरु तो स्वयं आत्म साक्षात्कार ही है नहीं, ऐसे लोग साधकों को परमात्मा के राज्य में कैसे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वह उस शक्ति के अधिकारी ही नहीं है। उन्हें परमात्मा के प्यार की शक्ति, जो कि परम चैतन्य के स्वरूप में फूलों, वृक्षों में, प्राणी मात्र में और इस चराचर में बहती है, उसका ज्ञान और एहसास दोनों ही नहीं है। उन्हें ज्ञात था कि वे स्वयं श्री आदि शक्ति हैं एवं उनके अंदर एक विद्यमान शक्ति है जिसके माध्यम से वे अखंड मानव जाति को ज्योतिर्मय करेंगी, परंतु वे सामूहिक कुंडलिनी जागरण के उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। मई सन 1970 में गुजरात राज्य के नारगोल नामक स्थान में एक अगुरु ने आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया था। उसने बहुत बार आमंत्रित करने पर श्री माता जी अनैच्छिक तौर पर उस शिविर में यह जानने गई कि वहां हो क्या रहा है। उन्होंने देखा कि भोले भाले साधक सम्मोहित हो चुके थे और उनका दुरुपयोग वह अगुरु कर रहा था। श्री माता जी को उन सभी सत्य से भ्रमित साधकों पर दया आ गई। ऐसे सभी भोले भाले साधकों के आध्यात्मिक उत्थान हेतु 4 मई सन 1970 की रात भर उन्होंने समुद्र के किनारे ध्यान किया और प्रातः समय यानी कि 5 मई सन 1970 को उन्हें अपने अंदर शक्तिशाली अनुभव हुआ। उनके भीतर की कुंडलिनी शक्ति का उत्थान एक दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप की तरह ऊर्ध्वगति से हो रहा था, जिसका रंग तप्त लोखंड के लाल रंग जैसा था। उन्होंने देखा कि कुंडलिनी शक्ति ने हर चक्र से गुजरते वक्त विशिष्ट ध्वनि का निर्माण करके ब्रह्मरंध्र को छेद दिया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि शक्ति के स्तंभ की बारिश उनके मस्तिष्क से सर्वत्र प्रवाहित हो रही है। उस समय उन्होंने अपने भीतर असीम शांतता का एहसास किया और इस तरह से वैश्विक सहस्त्रार जागृत हो गया। श्री माता जी को अपने आदि शक्ति स्वरूप की शक्तियों का एहसास हुआ। वह घटना के बाद मानव उसके अंदर स्थित परमेश्वर की शक्ति यानी परम चैतन्य को महसूस करने का और आत्म साक्षात्कार पाने का अधिकारी हो गया। जय श्री माता जी।